Pois é. Régua aí. 7.5 घंटा ही हुआ है भाई एग्जाम के। एक दिन पहले 15 15 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा सीए फाइनल है। और मैं भी, मेरी शक्ल पसंद नहीं है शायद। अब लग रहा है आ रहा है कुछ, है जिंदा, है कुछ लोग अब भी है जिंदा। एंड दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट, दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। ओके अच्छा एक चीज बताओ, बोर बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ मेरे को यही सुनना था जिगर। थैंक यू। नॉट गेटिंग बोर्ड नो? देखो ऐसा बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दैट यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, क्योंकि अगर आप हाँ बोलोगे ना, हाँ बोलोगे तो आई विल से दैट पढ़ाई करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप ना बोलोगे बोर नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा कि तुम मेरे साथ बैठे हो इसके लिए। सो मेरे पास हर चीज का आंसर है, हर चीज का आंसर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, भले मेरी शक्ल से लगे या नहीं लगे। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग मेंबरशिप नंबर ऑफ आईसीएआई। शक्ल से लगे या नहीं लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो अगर आप बोलोगे बोर हो रहे हो तो पढ़ाई करना पड़ता है, और अगर आप बोलोगे बोर नहीं हो रहे हो तो क्योंकि बिकॉज यू आर लर्निंग विद मी। सिंपल, सब आंसर है अपने पास। चलो काम की बात करते हैं। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। निमित फ्रॉम बरेली इज आस्किंग मी टू क्रैक अ जोक। एक बात बताता हूँ निमित, बेटा मेरी बात सुन, अच्छे से ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना। ओके मेरी वाइफ अभी भी ऑफिस में ही है। मेरी वाइफ अभी भी ऑफिस में है और मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको सुनाई दे रहा है, तो जोक नहीं मार सकता हूँ, सॉरी। ओके टाइम टू बी सीरियस बिफोर आई स्टार्ट क्लबिंग ऑफ इनकम। एक दो चीज, एक डाउट है स्पेशली अंशुल, तू सिटी का नाम लिख, नहीं तो मैं नहीं आंसर दूंगा। हर्ष फ्रॉम मुंबई, कैपिटल गेन प्रोविजन ऑफ एलएलपी टू, सॉरी आई एम अनेबल टू गेट योर डाउट हर्ष, सॉरी सॉरी। क्या लिखा आपने, समझ नहीं आ रहा मुझे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके If you are asking me with respect to a particular chapter, देखो जहां तक मैं presentation of answer की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये issue आया है तो इसको finish करेंगे, because मैं chapter के बीच में ये सब discussion नहीं कर पाऊंगा। तो presentation of answer so far as practical questions are concerned, कोई भी order में करो, आपको आपको computation of total income करना है, particular inner column amount, inner column outer column बना के, and you just have to write your working notes for everything. Practical में तो कुछ है ही नहीं। जहां तक theory का सवाल है, you have to analyze and it depends on the number of marks. अगर आपका theory का question 5 mark का, 6 mark का है, तब आपको ज्यादा लिखना है। अगर 2 3 mark का theory question है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है। तो इट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज। सो अंशुल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का कोई पर्टिकुलर जैसे क्वेश्चन है एंड यू वांट टू नो हाउ टू राइट इट, तो एक तो अपनी बुक के अंदर सारे के सारे आंसर्स टाइप करके आंसर लिखे हुए, यू कैन हैव अ लुक इन दोज, यू कैन हैव अ लुक एट दोज आंसर्स आल्सो। एंड इन केस आपको कोई और पर्टिकुलर डाउट है, तो आप मेरे से बाद में पर्सनली, जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में पर्सनली यू कैन मैसेज मी, और यू कैन व्हाट्सएप मी, और यू कैन ईमेल मी ऑन gyanvijay@gmail.com। तो मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, उसके ऊपर भी आपको आंसर दे दूं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ, कन्वर्जन टू एलएलपी इनटू फर्म डज नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग, बिकॉज कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, पहली बात तो जहां तक मेरा नॉलेज जाता है, फर्म इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, एलएलपी इनटू फर्म, कोई टैक्स प्रोविजन है नहीं। द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर आर काउंटेड एज द सेम असेसी, सो देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट। दिस इज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हर्ष फ्रॉम मुंबई। श्रीदेवी, श्रीदेवी फ्रॉम विच सिटी, विच सिटी, हाँ फर्म टू एलएलपी एज आई से।
is not a taxable transfer, so it will not attract any capital gains. Firm to LLP का जो है, I think I have उसका answer देते देते मैंने आपका ये answer भी दे दिया. It is not a taxable transfer. There is no capital gain that will get attracted. Okay. Shridevi is from Mumbai and she is telling me thanks to me and my wife that you could see Facebook live. By wife का thank you. कौन बैठा है इधर 1 बजे से 7.5 घंटा 8 घंटा होने को आया. Thank you. Deserve कौन करता है? Okay, चलो उसको भी कर देते. No problem. Because she is listening to everything I am saying. She is in the next room only and यहाँ पे थोड़ा voice जाता है यहाँ से वहाँ, तो उसको भी thank you बोल देते. बस happy. Okay. अभी 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 आगे चलते हैं. I hope और कोई doubt नहीं है. तो मैं next chapter चालू कर रहा हूँ. Chapter के बीच में I will not be interrupting. Okay, let's go ahead. Next chapter is the income called clubbing. Clubbing of income. देखो आज Friday night है. कल से weekend चालू हो रहा है. तो वो वाला क्लबिंग नहीं है बेटा. नहीं ये वो, दिस इज नॉट दैट क्लबिंग. सॉरी, दिस इज नॉट दैट क्लबिंग. दिस क्लबिंग इज वेयर अदर पीपल का इनकम विल बी क्लब्ड इन योर हैंड. सबसे फेमस एग्जांपल इसका है माइनर चाइल्ड के इनकम के ऊपर पेरेंट्स बनना पड़ता है. बच्चे बच्चे को मालूम है क्योंकि बच्चे के इनकम के ऊपर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स. दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी नोस. ये वो क्लबिंग है वेयर आपने टैक्स इवेड करने का ट्राई किया बिकॉज यू आर ऑलरेडी फॉलिंग इन अ हायर टैक्स ब्रैकेट. तो आपने इनकम शो किया नॉट इन अवर नॉट इन योर हैंड्स बट आपके ही घर में किसी और के हैंड्स में, अपने स्पाउस के हैंड्स में, अपने सिबलिंग्स के हैंड्स में, पेरेंट्स के हैंड्स में और किसी और के हैंड में, कि पैसा आपके घर में ही आ रहा है बट इट इज गेटिंग टैक्स एट अ लोअर टैक्स ब्रैकेट. तो क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन विल गेट attracted and the income will be taxed in the hands of the transferor. बहुत छोटा chapter है, 5-6 ही इसमें, 6-7 ही section है. Minor child वाला important section है. अगर आप वो कर लोगे तो that much is enough. इसके अंदर as such there is no amendment also. So, but एक बार करना जरूर. So you should have some idea. You should not be absolutely blank about what is going to happen in this. आगे बढ़ते हैं. Next chapter is the chapter called set off and carry forward of losses. Whenever you have one loss and you want to adjust it, so you can adjust it against your other profits. आप अपने loss को के सामने एडजस्ट करके आप फिर नेट अमाउंट के ऊपर टैक्स भर सकते हो. सपोजिंगली वन बिजनेस प्रॉफिट अनदर बिजनेस लॉस, तो यू कैन एडजस्ट इट एंड देन क्लेम एंड देन पे द टैक्स ऑन द नेट अमाउंट. लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो हम लोग एक एक करके लॉस बाय लॉस चलते हैं. तो आपको सारे के सारे लॉसेस का ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी के हेड में कोई लॉस नहीं हो सकता. इन हाउस प्रॉपर्टी देर कैन बी लॉस इन एसओपी में तो लॉस ही होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख. एलओपी में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. हाउस प्रॉपर्टी सबसे सीधा साधा शरीर लॉस है, कहीं भी चुपचाप एडजस्ट हो जाएगा. सो हाउस प्रॉपर्टी लॉस विल फर्स्ट बी एडजस्टेड अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी गेन्स. अगर वहां पे नहीं हुआ तो इट विल गो टू अदर हेड्स ऑफ इनकम एक्सक्लूडिंग कैजुअल विनिंग्स. ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस का प्रॉब्लम नहीं है. कैजुअल विनिंग के सामने आप कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते. और अगर वो भी नहीं पॉसिबल है तो यू विल कैरी फॉरवर्ड. यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड अप टू अ पीरियड ऑफ 8 years. अगर आपका रिटर्न लेट है तो भी चलेगा, बट 8 years तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. एंड इन फ्यूचर यू कैन एडजस्ट ओनली अगेंस्ट House property income. This is the tax treatment for carry forward of house. सबसे easy, सबसे शरीफ, कोई tension है नहीं. Next loss is loss under the head business profession. सबसे पहले अगर आपको कोई speculation business में loss हुआ है तो speculation loss can be adjusted only against speculation profit. अगर आपके पास speculation profit नहीं है तो आप इसको कहीं और लेके नहीं जा सकते. You can only carry it forward up to a period of 4 years only. आपको आपका return time पे file करना पड़ेगा. You can adjust only against speculation profit. 4 साल के बाद में lapse हो जाएगा. Second loss in business profession is loss of specified business. Specified business जो 35AD का business था, specified business का loss can be adjusted only against specified business का profit. अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं और लेके नहीं जा सकते, आपको carry forward करना पड़ेगा. Good news is that you will get unlimited period का carry forward. Specified में unlimited, लेकिन as per an amendment आपको अपना return time पे file करना पड़ेगा because now only house property and UAD will be allowed in a belated return. File your return on time, you can carry it forward for unlimited period. You can adjust only against specified. और इसके अलावा अगर कोई भी business का profit loss बचा, any other business other than speculation and specified, it can be adjusted against any business profit, including speculation and specified. मतलब speculation specified के loss पे restriction है, profit के ऊपर restriction नहीं है. So first again business profit नहीं मिला तो other heads of income में आप salary और casual winnings के सामने नहीं लेके जा सकते हो. You cannot adjust it against salary and casual winnings. You can adjust it against any other. Ahead, you can adjust against house property income, capital gains income, income from other sources, business losses can be adjusted against anything except salary and casual winning. Or agar wo bhi nahi possible hai, toh you will carry it forward for 8 years. Return time pe file karna zaruri hai. As a part of business loss, you will also be having something called unabsorbed depreciation. जब भी आपका current year profit insufficient है for adjusting depreciation, तो जो amount of depreciation आपके profit नहीं है, that will become UAD. UAD can be adjusted against any profit excluding salary and casual winnings. कोई भी profit के सामने adjust होगा. अगर आपका कोई और profit नहीं है, तो carry forward unlimited time के लिए मिलता है. Return time पे file नहीं किया है, then also
मिलता है और फ्यूचर में भी सैलरी और कैजुअल विनिंग्स को छोड़ के कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है। यूएडी इज ऑल्सो वेरी शरीफ, सीधा साधा लॉस। यूएडी में भी ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। सो ये बिजनेस के अंदर जो चार लॉसेस थे, वी आर डन विद दैट। इसके बाद में नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम इज लॉस इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स। दो टाइप का लॉस होगा, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉस। लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। नहीं है तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम, यू गेट 8 years कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन बोथ। सो अगेन लॉन्ग टर्म लॉस पे रेस्ट्रिक्शन है, लॉन्ग टर्म गेन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन बोथ। और अगर आपके पास कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं है तो कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। सो कैपिटल लॉस ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स, उसमें भी लॉन्ग टर्म ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, और कुछ नहीं मिला तो सीधा कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम। इसके बाद में आता है लास्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहला लॉस पॉसिबल इज कैजुअल लॉस, यानी बैटिंग लॉस, हॉर्स रेसिस का लॉस। नो सेट ऑफ, नो कैरी फॉरवर्ड, उसको आपको इमीडिएटली लैप्स करना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट एनी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड फॉर द सेम। सेकंड पॉसिबल लॉस इज द लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। I have got somebody from my fraternity, CA Sanjay Vaidya. I can see he's asking about owning and maintaining resources. It has been specifically provided that वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रहता है, OMRH। सो OMRH का लॉसेस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट OMRH का प्रॉफिट्स। और अगर नहीं मिला तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कहीं और नहीं लेके जा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years। सो स्पेक्यूलेशन एंड OMRH सिर्फ 4 साल, ओनली इफ यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम। इफ योर रिटर्न इज लेट, यू विल नॉट गेट अगेन कैरी फॉरवर्ड। एंड अगर IFOS में कोई और लॉस हुआ है, सपोजिंगली आपने लोन लिया और उस लोन के पैसे से रेंट लैंड खरीद लिया, पूरे साल आपको टेनेंट नहीं मिला, तो रेंट अर्न्ड इज जीरो बट इंटरेस्ट पेंड इज देयर। तो आपको वो लॉस जो है, यू कैन एडजस्ट अगेंस्ट एनी इनकम। पहले IFOS के अंदर कैजुअल विनिंग्स को छोड़ के कहीं भी एडजस्ट होगा, फिर अदर हेड्स में भी आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आपको ये वाले लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। सो द ओनली लॉस इन द एंटायर स्टोरी जिसका कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता, कैजुअल लॉस ऑब्वियसली बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज ओनली, लेकिन IFOS का अदर लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अवेलेबल। दिस इज हाउ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम विल बी वर्किंग। फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम फॉर ऑल लॉसेस एक्सेप्ट टू हाउस प्रॉपर्टी एंड UAT कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इन अबिलेटेड रिटर्न। बाकी सबके लिए आपको आपका रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। एंड दो ऐसे लॉस है जो सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, स्पेक्यूलेशन लॉस एंड OMRH लॉस। दो ऐसे लॉस है जो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, दैट इज 35AD यानी स्पेसिफाइड बिजनेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एंड बाकी के जो 3 लॉसेस है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, कैपिटल लॉस एंड नॉर्मल बिजनेस लॉस, यू विल गेट कैरी फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। दिस इज द होल समरी। आई थिंक आई हैव प्रोबेबली डन द एंटायर, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। दिस इज अवर चैप्टर ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बाद में लास्ट चैप्टर, 40वां चैप्टर, सांस लो, लंबी सांस लो, थोड़ी छोटी लेना, सॉरी, बिकॉज ये खत्म करने के बाद में थोड़ा बहुत ICDS, थोड़ा बहुत, इतना जितना आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना इंपॉर्टेंट वो है भी नहीं। तो थोड़ा बहुत आई विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग अबाउट ICDS, बट वी विल फर्स्ट फिनिश डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। डिडक्शन 3 टाइप का होता है, एक्सपेंस रिलेटेड जहां पे आप खर्चा करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। एग्जाम्पल्स आर ATC, ATD, ATG, आपको पैसा देना पड़ेगा। इनकम रिलेटेड डिडक्शंस वेर यू गेट डिडक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इनकम, ATQQB, ATRRB फॉर एग्जाम्पल, रॉयल्टी इनकम कमाया है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड अदर डिडक्शन नाम का कैटेगरी लेकिन एक्चुअली उसके अंदर दो ही है, ATTDA सेविंग अकाउंट अप टू 10,000, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अप टू 10,000 एंड ATU, आपको कुछ करना नहीं है। अदर डिडक्शन इसलिए बिकॉज आपको कुछ नहीं, आपको खाली पागल होने, अगर पागल हो गया ना ATU मिल जाएगा। ATU नॉर्मल डिसेबिलिटी 40 से लगाकर 79% तक होगा तो 75,000 एंड 80% एंड अबव का डिसेबिलिटी होगा तो 1,25,000 इज गोइंग टू बी योर डिडक्शन। यू डोंट नीड टू स्पेंड अ सिंगल रुपी, आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको खाली कितना करने का, पागल हो गया तो मिल जाए। तो बेसिकली अभी 8 घंटा होने के बाद में तो मेरे को लग रहा है बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे लोग ATU की एलिजिबिलिटी के लिए फाइल करोगे। हावेवर अगर खाली अपने आपको पागल बोलने से ना डिडक्शन मिलता ना, अगर अपने आपको पागल बोलने से डिडक्शन मिलता, मैं मारवाड़ी हूँ, आई हैव गॉट नो ईगो व्हेन इट कम्स टू मनी, मैं जाके बोलेगा ये मैं तो पागल हूँ रे, मेरे को डिडक्शन देना, डिडक्शन देना 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 ये देना। खाली अपने आपको अगर पागल बोलने से डिडक्शन मिलता ना तो एवरीबडी विल कॉल हिमसेल्फ पागल। डिडक्शन विल बी अवेलेबल ओनली इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अप्रूव्ड डॉक्टर, सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अप्रूव्ड डॉक्टर। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000 एंड सीवियर डिसेबिलिटी 1,25,000 इज गोइंग टू बी योर डिडक्शन। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये था आपका अदर डिडक्शन। फटाफट हम लोग एक्सपेंस रिलेटेड में ATC सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका मैक्सिमम लिमिट इज 1,50,000। ATCCC में भी लिमिट है मैक्सिमम 1,50,000। ATCCD ध्यान से सुनना, ATCCD में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलता है, उसके लिए द लिमिट इज अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर।
जब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते तो दो डिडक्शन मिलता है, सबसेक्शन वन एंड सबसेक्शन वन बी। सबसेक्शन वन बी में सिर्फ एक ही लिमिट है 50,000, और सबसेक्शन वन के अंदर पहले तो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी या नॉन सैलरीड वाले के लिए 10% ऑफ जीटीआई। उसके बाद में 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस सीसीडी सबसेक्शन वन, तीनों का टोटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। यानी भले 80C और ट्रिपल सी में अलग अलग 1.5 लाख मिलता है, लेकिन 80C प्लस ट्रिपल सी प्लस सीसीडी सबसेक्शन वन, ये तीनों मिला के आपको 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन इज गोइंग टू बी अवेलेबल। सो 80C ट्रिपल सी प्लस सीसीडी सबसेक्शन वन बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000। सीसीडी सबसेक्शन वन बी जो है उसका सिर्फ एक ही लिमिट है 50,000, उस पर 1.5 लाख का लिमिट नहीं लगता है। एंड सीसीडी सबसेक्शन टू जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर है उस पर 10% ऑफ सैलरी का लिमिट है, उस पर भी 1.5 लाख का लिमिट नहीं लगता है। फेयर इनफ। सो ये था कॉम्बो। मैं 80D पे जा रहा हूँ। उसके पहले बेटा अनिरुद्ध सुन, तू बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, तो तू जब आएगा मेरा फोटो खींच लेना, उस फोटो में मेरे को अच्छा दिखाना। वैसे थोड़ा लाइट्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हूँ बहुत गोरा हूँ। कभी मेरे को पर्सनली आके मिलना, आपको पता चलेगा हाउ हैंडसम आई एम। हाँ हाँ, लेकिन ये लाइट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा काला काला दिख रहा हूँ। और बाल का तो ऐसा है ना कि अभी जब ब्रेक लिया था तो मेरी वाइफ आके मेरा बाल खींच के गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा you will be getting deduction, लेकिन individual को ही मिलेगा, वो भी सिर्फ पहली category में। You also get deduction for contribution to preventive health checkup, यहाँ पे cash allowed है, लेकिन इसका maximum limit 5,000 है। And if you are a resident, if इसमें से जो भी patient है पहले category में, दूसरी category में, तीसरी category में, resident 80 years and above और उसका insurance नहीं है, medical insurance नहीं है, तो उसके hospital के bill का भी deduction मिलेगा। तीनों category का limit is 25,000 maximum, 25,000 maximum, HOF के लिए भी 25,000 maximum, लेकिन अगर कोई भी patient तो 25 की जगह 30 का लिमिट। याद रहे, हायर लिमिट विल बी अवेलेबल ओनली इफ द पेशेंट इज रेसिडेंट। और एक और चीज, जिस केस में वो हॉस्पिटल बिल वाला लग जाता है, जैसे रेसिडेंट 80 इयर्स एंड अबव नॉट हैविंग इंश्योरेंस में मेडिकल बिल का भी डिडक्शन मिलेगा ना, मेडिकल बिल का भी डिडक्शन मिलेगा। तो इन दैट केस द लिमिट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बिकम 30,000, ऑटोमेटिकली गोइंग टू बिकम 30,000. I have my friend Salil Desai who is watching me live. He is a qualified chartered accountant. He is a manager with one of the top firms, Grant Thornton in Mumbai. Thank you so much, Salil, for watching, and thank you so much for commenting. Okay. Thank you so much. I'm so happy to see you here. Thank you so much. Thanks a lot. A lot of my friends, a lot of my seniors in the profession also were here today. I unfortunately could not thank all of them. But obviously later on, ek Facebook post mein main sabko thank you bolne hi wala hu. So, thank you so much for being here, my friends. Okay, moving on. ATD के बाद में ATDD is अगर आपने आपके ऊपर कोई dependent disabled है, if there is somebody who is disabled and dependent upon you, उसके लिए अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो आपको अगेन deduction मिलेगा। Normal disability के लिए 75 and severe disability के लिए 1,25,000। लेकिन याद रहे, अगर deduction लोगे तो फिर उसको ATU नहीं मिलेगा। So आप देखो दोनों में से किसको, कौन हायर टैक्स ब्रैकेट में है, उसको ATU के लिए कुछ करने का नहीं, उसको खाली पागल होने का, उसको ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन इफ यू वांट डिडक्शन यू विल हैव टू स्पेंड सम मनी, कुछ भी करो, एक रुपया भी खर्चा करोगे, देन आल्सो 75,000, 1,25,000, डिडक्शन इज फ्लैट, कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, डिडक्शन इज फ्लैट, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट डिडक्शन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट डिडक्शन। तो आप देख लो दोनों में से कौन हायर टैक्स ब्रैकेट में, दैट इज एडवाइजेबल। ऑब्वियसली एक जन की डिसेबिलिटी की वजह से दो जन को डिडक्शन ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला। फेयर इनफ, fair enough, excellent. ATDDB if you have taken treatment of specified ailments like cancer, hemophilia, thalassemia, dementia, AIDS, agar aisi koi bimari ka aapne treatment liya hai, to you will get a deduction. Sabse pehle hum qualifying amount karenge, actual or 40,000 whichever is lower, for resident senior citizen actual or 60,000 whichever is lower, for resident 80 years and above actual or 80,000 whichever is lower is going to be qualifying amount. Is qualifying amount mein se we will be subtracting any amount reimbursed by the employer and any amount which is reimbursed by the insurance company. Ye dono ko subtract karne ke baad mein, जो अमाउंट मिलेगा दैट मच इज गोइंग टू बी योर डिडक्शन। 80E इज इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, उसका डिडक्शन आपको जितना आपने इंटरेस्ट भरा उसका मिलेगा, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। 80EE इज एन अमेंडमेंट, 80EE इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन, 80EE इज एन अमेंडमेंट। अगर आपने पहला घर खरीदा है, इट हैज टू बी SOP, उसके लिए आपने लोन लिया ड्यूरिंग 16-17,
वो घर का वैल्यू 50 लाख या उससे कम है, एग्जैक्ट 50 और लेस, नॉट मोर देन 50, मतलब गरीब आदमी, और जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख या उससे कम है, ये चार कंडीशन। फर्स्ट हाउस लोन ड्यूरिंग 16-17, हाउस अप टू 50 लाख एंड लोन अप टू 35 लाख। तो अंडरस्टैंड, आपको एसओपी में जो डिडक्शन मिलेगा दैट इज मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, ओवर एंड अबव दैट 2 लाख रुपीज आप यहाँ पे 50,000 का और डिडक्शन ले सकते हो। दैट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू प्रमोट हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस एक्स्ट्रा डिडक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80EE, 50,000 ओवर एंड, मतलब पहले आपको एसओपी का 2 लाख लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप यहाँ पे आके डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 80G इज द डिडक्शन फॉर डोनेशन, इसके अंदर चार कैटेगरी, अनलिमिटेड 100%, अनलिमिटेड 50, लिमिटेड 100, लिमिटेड 50। आप अनलिमिटेड कैटेगरी में जो 50 है वो चार, लिमिटेड कैटेगरी के 100 के 2, एंड लिमिटेड कैटेगरी के 50 के जो 5 है। अगर आप कितना लर्न कर लोगे, यू डोंट नीड टू लर्न द अदर कैटेगरीज, इट इज अ वेरी बिग सेक्शन, लेकिन आप शॉर्ट में ये जो चार कैटेगरीज है उतना लर्न कर लेना। 80GGB एंड GGC वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय कंपनीज एंड अदर असेसीज रिस्पेक्टिवली, GGB एंड GGC 100% डिडक्शन इज गोइंग टू बी अवेलेबल। However, any amount which is paid in cash is not going to be allowed, so the deduction has to be, the payment has to be non-cash. मतलब PGBP के question के साथ में ये combine होके हमेशा आता है, अगर आपने check में payment किया तो PGBP में add होगा and chapter 6 MLS होगा, and अगर आपने cash में pay किया है तो PGBP में add तो होगा लेकिन chapter 6 MLS आपको नहीं होगा। इसके बाद में इनकम रिलेटेड डिडक्शन में जाते हैं, सेक्शन 80QQB एंड RRB के अंदर आपको जो रॉयल्टी का डिडक्शन है, पहले हम लोग क्वालिफाइंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज गोइंग टू बी एक्चुअल अमाउंट जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अगर रॉयल्टी परसेंटेज में मिला है तो मैक्सिमम 15%, अगर आपने इंडिया के बाहर अपना वर्क बेचा है तो वी विल सी हाउ मच फॉरेक्स यू हैव ब्रॉट विद इन द टाइम, दैट इज 30th September ऑफ द असेसमेंट ईयर। इन तीनों में से जो लोएस्ट है दैट मच इज गोइंग टू बिकम योर क्वालिफाइंग अमाउंट, एंड इस क्वालिफाइंग अमाउंट में से वी विल सबट्रैक्ट द एक्सपेंसेस दैट यू हैव इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रॉयल्टी, दैट मच विल बी योर डिडक्शन, एंड दैट विल आल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 3 लाख पर एनम। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80QQB एंड RRB इज गोइंग टू बी रुपीज 3 लाख पर एनम। ओके, सो दैट इज 80QQB एंड RRB। एंड इसके अलावा हमारे जो लास्ट तीन, I will now be doing with you the last three section, तीनों के तीनों amendment है बेटा, तीनों के तीनों amendment है, तो अपने आँख वाँख सब खोल लो ध्यान से, because if there is a question, it has to be on any one of these, इसमें से भी जो 80JJAA है, वो May 17 के 16 mark के question के अंदर already आ गया था, 80JJAA, but very quickly we will discuss section 80IAC is talking about 100% deduction for startups if you have started something new। अब भी भारी लैंग्वेज में डेफिनेशन दिया है, अ बिजनेस विच इन्वॉल्व इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड सर्विसेज बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आपके सब इसका के प्रोफेसर्स के लिए, आपके इसका के प्रोफेसर्स के लिए। ओके, बिफोर आई स्टार्ट 80IAC, सुशांत फ्रॉम मुंबई इज आस्किंग मी, 80DD में एंड 80DB में जो आपका रिलेटिव है वो नॉन रेसिडेंट होगा तो चलेगा, लेकिन आपको रेजिडेंट होना पड़ता है दोनों में, 80DD एंड 80DB बोथ रिक्वायर्स द असेसी टू बी रेसिडेंट बट द रिलेटिव कैन बी नॉन रेसिडेंट। बट हाँ, 80DD में जो हायर लिमिट मिलता है 60,000 एंड 80,000 का, वो नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन है तो भी नहीं मिलेगा। ओके, सो असेसी हैज टू बी रेसिडेंट, लेकिन रिलेटिव नॉन रेसिडेंट होगा तो चलेगा, सिर्फ हायर लिमिट नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, 80IAC टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू प्रमोट मेक इन इंडिया के प्रमोशन के लिए, अगर आपने स्टार्टअप चालू किया है, सो कंडीशंस आर, इट शुड बी कंपनी और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 16-17, इट शुड गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, इसका 5 साल तक टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इतना कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दिया ना, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। कितना डिडक्शन? 100% ऑफ योर प्रॉफिट्स फॉर एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज्यादा नहीं। आपके बिजनेस के पहले 5 साल में से कोई भी 3 साल नहीं, कंटिन्यूअस 3 साल लेना पड़ेगा। सो इट कैन बी ईयर 1, 2, 3 और ईयर 2, 3, 4 और ईयर 3, 4, 5, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। 3 साल और वो भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। सो यू कैन टेक 100%, मतलब ऊपर पीजीबीपी में पूरा प्रॉफिट आएगा, नीचे डिडक्शन बन जाएगा, ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे डिडक्शन, ऊपर प्रॉफिट, नीचे डिडक्शन, 3 साल तक ऐसे चलेगा। ये 3 कंटिन्यूअस होने चाहिए, वो भी पहले 5 साल के अंदर होने चाहिए। 100% डिडक्शंस इन एनी 3, 100% डिडक्शन इन एनी 3 आउट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव आउट ऑफ फर्स्ट 5 इयर्स इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर 80IAC स्टार्टअप्स के लिए, एनी 3 आउट ऑफ फर्स्ट 5 इयर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसके अंदर भी सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन है वो मैंने मेरी बुक के अंदर डाल दिया, तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम द बुक। और ये चैप्टर के भी आपको एटलीस्ट जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है ना मेरी बुक के अंदर, उतने आप कर लेना, एंड सॉल्यूशंस यू विल गेट इन द हैंड रिटन नोट्स व्हिच यू कैन डाउनलोड लेटर ऑन फ्रॉम माय वेबसाइट। सो दैट वाज योर डिडक्शन अंडर 80IAC, दैट इज टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स।
एक और कैच है इस ATIAC के सेक्शन के अंदर, दैट वाइल गिविंग दिस डिडक्शन यू हैव टू अज्यूम दिस टू बी द ओनली बिजनेस. इसका मतलब कुछ लोग समझे नहीं, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको समझ में आएगा. स्टार्टअप है मतलब नया बिजनेस है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट होना पॉसिबल ही नहीं. स्टार्टिंग में एक दो साल सपोजिंगली आपको लॉस हुआ एंड तीसरे साल से आप प्रॉफिट दिखाने, तो व्हाट विल हैपन, ईयर 3, 4, 5 ऊपर प्रॉफिट नीचे डिडक्शन, ऊपर प्रॉफिट नीचे डिडक्शन. तो मेरा जो पहला दो साल का लॉस है, मैं बहुत शाना मारवाड़ी हूं, मैं क्या करता हूं, ईयर 1 एंड ईयर 2 का जो लॉस है आई ब्रिंग इट फॉरवर्ड इन ईयर 3, आई एडजस्ट इट अगेंस्ट माई अदर PGBP जो टैक्सेबल है, जिसमें मेरे को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, उसके सामने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट कर देता हूं, और ये जो बिजनेस है इसका ऊपर प्रॉफिट नीचे डिडक्शन ऊपर प्रॉफिट मतलब मैं डबल बेनिफिट ले रहा हूं, वो नहीं चलेगा. ये वाले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इसी बिजनेस के प्रॉफिट के सामने एडजस्ट होंगे, और फिर जो बचेगा वो ऊपर प्रॉफिट नीचे डिडक्शन ऊपर प्रॉफिट नीचे डिडक्शन. दिस इज ATIAC टैक्स डिडक्शन फॉर स्टार्टअप. नेक्स्ट सेक्शन विच इज अगेन अ न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन इज सेक्शन ATIA सेक्शन 80IBA न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट. अगर किसी बिल्डर ने नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया सब्जेक्ट टू द कंडीशंस के मेट्रो सिटीज में आपके प्लॉट का साइज मिनिमम 2000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए नॉन मेट्रो, सॉरी मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए नॉन मेट्रो में, मिनिमम 2000. यू कैन मैक्सिमम लीव 10% वेकेंट इन मेट्रो सिटीज एंड मैक्सिमम 20% इन अदर सिटीज, मतलब मिनिमम कंस्ट्रक्शन शुड बी 90% एंड 80% रिस्पेक्टिवली. एक इंडिविजुअल घर की साइज in metro city should not be more than 30 square meter, for the knowledge of students who don't know this, 1 square meter is 11 square feet, 10.76 square feet. So metro city mein 30 square meter se bada ghar nahi hona chahiye, and non metro city mein 60 se zyada nahi hona chahiye. Aur agar aapke pure project mein commercial properties hai to commercial properties 3% se zyada nahi hone chahiye. Aapne agar kisi ek aadmi ko ek ghar bech diya to uski family ko ya uski HOF ko ya uski spouse ko aap koi aur घर उसमें नहीं बेच सकते हो, नहीं तो क्या करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या था कि छोटे छोटे साइज के घर बनाओ ताकि गरीब लोग खरीद सके, नहीं तो आप क्या करोगे, एक ही आदमी को 5 घर बेच दोगे, दीवार तोड़ के उसको बड़ा घर बना लेगा, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. कॉन्सिक्वेंटली अगर आपने एक आदमी को एक घर बेच दिया तो आप किसी उसी फैमिली को और कोई घर नहीं बेच सकते हो. सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन वॉट एवर प्रॉफिट यू गेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, जब जब आपके घर, कोई नंबर ऑफ इयर्स का लिमिट नहीं, जैसे जैसे घर बिकता जाएगा प्रॉफिट आते जाएगा, वो आपका डिडक्शन बनते जाएगा. फेयर एनफ. ओके, सो दैट्स ATIBA, दिस इज ऑल्सो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन. ATD का जो सुशांत का क्वेश्चन है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, दैट वैसे तो हायर लिमिट ऑफ 30,000 मिलता है, लेकिन पेरेंट्स अगर नॉन रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन भी होंगे तो भी 25 मिलेगा, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. लिमिट विल बी 25,000 फॉर नॉन रेसिडेंट्स, यू डोंट गेट हायर लिमिट इन एनी सेक्शन ऑफ चैप्टर 6. दिस टेक्स मी टू द लास्ट सेक्शन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, दैट इज सेक्शन 80JJAA. अगर आपने नए लोगों को जॉब दिया है तो 30% ऑफ द इमोल्यूमेंट्स पेड टू द न्यू रेगुलर वर्कमैन आर गोइंग टू बी अलाउड एज अ डिडक्शन. मतलब आप 100% तो ऑलरेडी PGBP में डिडक्शन लोगे, प्लस 30% आपको और डिडक्शन मिलेगा फॉर ऑल असेसीज हु आर हैविंग टैक्स ऑडिट, हु आर एंगेज इन बिजनेस एंड हैव टैक्स ऑडिट विल बी एलिजिबल फॉर ATJJAA का डिडक्शन नए एम्प्लॉइज की सैलरी का. सो अगर न्यू बिजनेस है तो सारे एम्प्लॉइज होंगे, और अगर एक्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉइज का पगार बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. नए एम्प्लॉय को नौकरी दोगे उस एम्प्लॉय का 30%, उस एम्प्लॉय की सैलरी का 30%. इसमें भी आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा. किसी एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 रुपया मंथली से ज्यादा है, ग्रेटर देन 25,000, तो एलिजिबल नहीं होगा. इफ द एम्प्लॉय डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू पे द प्रोविडेंट फंड द कंट्रीब्यूशन तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. एंड अगर आपके एम्प्लॉय ने 240 दिन से कम काम किया, एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर लेस देन 240 डेज, तो अगेन डिडक्शन इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल. लेकिन यहाँ पे CBDT ने एक सर्कुलर निकाल के बोला दैट जो अपैरल बिजनेस है, यानी गारमेंट बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, अपैरल बिजनेस, उसका सीजनल नेचर है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ डेज का इज रिक्वायरमेंट इज ओनली 150. यानी नॉर्मली 80JJAA डिडक्शन सिर्फ उसी एम्प्लॉयज के पगार का मिलेगा जिसने 240 डेज मिनिमम काम किया है, लेकिन अपैरल बिजनेस में 150 डेज भी काम किया देन आल्सो द सैलरी पेड का डिडक्शन इज गोइंग टू बी अवेलेबल. इट हैज टू बी पेड इन अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड द इमोल्यूमेंट्स विल एक्सक्लूड. अगर कोई लमसम रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ये कम्यूटेड पेंशन अगर आपने किसी को दिया या लमसम ग्रेच्युटी दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ, वैसे भी अभी तो उसने नौकरी ज्वाइन किया, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ retirement. So 30% of the salary paid is going to be allowed as a deduction. Please make sure, आपके student mistake क्या करते हैं? Supposingly monthly salary 24,000 दिया है, तो कोई student 24,000 into 30% into number of employees multiply करते हैं, that is wrong because that is per month. Please don't forget to multiply by number of months. I have seen students making this mistake. So monthly salary which has to be less than 25 multiplied by number of months multiplied by number of employees, इसका 30% आपका डिडक्शन मिलेगा. और नंबर ऑफ मंथ्स में एक और गड़बड़ कुछ बच्चे करते हैं, हमेशा 12 से मल्टीप्लाई करते हैं. बेटा ऐसा नहीं करने का. अगर मई से ज्वाइन किया है, अगर मई में
ज्वाइन किया है तो 11 महीना होगा, जून में ज्वाइन किया तो 10 महीना होगा, यू हैव टू सी फ्रॉम व्हेन द एम्प्लॉइज हैव ज्वाइंड, सो सैलरी मंथली सैलरी इनटू नंबर ऑफ मंथ्स वो आपको देखना है कहां से ज्वाइन किया इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 30% दिस इज गोइंग टू बी योर ATJJAA डिडक्शन. विद दिस आई फिनिश व्हाटएवर आई हैड टू डिस्कस विद यू इन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A दैट वे जो 40 चैप्टर्स जो हमको करने थे 8 घंटा 1 बजे से हमने चालू किया था 8 घंटा बहुत स्टेमिना है मेरे अंदर जब मैं टैक्स चालू करता हूं जब मैं टैक्स में बोलना चालू करता हूं तो आई कैन जस्ट स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स मैं तो चाहे सुबह तक भी बैठ सकता हूं मेरे में इतना स्टेमिना है बट ओनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स आई ऑलवेज प्रे टू द ऑलमाइटी कि अगर किसी दिन मौत भी दे देना तो क्लास में लेक्चर लेते पढ़ाते देना तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट आई कैन एवर गेट कि अगर किसी दिन मौत भी देनी है तो मेरे को लेक्चर के अंदर पढ़ाते लाइक जस्ट लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही इज समबडी हु वी ऑल आइडलाइज ही डाइड व्हाइल गिविंग अ लेक्चर एंड which is always what he wanted. So, कई बार ऐसा मन में आता है कि मैं तो endlessly बोल सकता हूँ. I understand it was a very tiring day, but I still feel that it was productive. जितना हमको चाहिए था हमने किया. अभी last 10 minute मेरा discussion सुनो. Last 5-10 minute लगेगा उससे ज़्यादा नहीं. Only because ये ICDS की वजह से आप सब डरे हुए. मैं इतना डरा हुआ नहीं हूँ. Obviously because I don't have to give the exam. मैं इतना डरा हुआ नहीं हूँ. इसलिए बिकॉज यू आर गिविंग ICDS मोर इंपॉर्टेंस देन इट डिजर्व्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ICDS कंबाइंस योर अकाउंट्स एंड टैक्स. ओके, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खाली एक ही ग्रुप दे रहे होते हैं. आपने अगर आपने कैपिटल बजटिंग एंड रेलेवेंट पोस्टिंग भी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो when there are people who are giving only one group, तो such questions are avoided. One thing. Second thing, ICDS अभी तक जेटली जी को भी नहीं पता है कि ICDS क्या है. अरुण जेटली जी ऑल्सो डज नॉट नो कि ICDS क्या है. अब तक उनको भी अच्छे से नहीं पता. उनको भी किसी दिन बैठ के पढ़ना पड़ेगा. या ही ऑलवेज हैज द ऑप्शन टू सरेंडर हिज फाइनेंस मिनिस्ट्री बिकॉज यू नो हु अ बेटर फाइनेंस मिनिस्टर. आपको ये तो सबको पता ही है दैट नोबडी कैन बी मेरे जैसा अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर शायद नहीं हो सकता. तो आई थिंक अरे हाँ भाई हाँ बता रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रांट सब बता रहा हूँ. सुनो मेरी बात. इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले आने वाला था प्रीवियस ईयर 15-16 या AY 16-17 से आने वाला था. फिर उसको गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया. मतलब मई 16 अभी ध्यान से सुनना क्योंकि ये एग्जाम रिलेवेंट बातें बोला मजाक मस्ती सही में. मई 16 की अगर आप RTP खोलोगे तो उसमें आपको ICDS के ऊपर 2 क्वेश्चन मिलेगा. Two questions were there in May 16 RTP. One was on stock valuation in case of dissolution of firm, जो शक्ति ट्रेडिंग था. एंड दूसरा था गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, what to do with government grants when you receive. बट देन क्योंकि गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया तो नवंबर 16 के सिलेबस से ICDS निकल गया. फिर मई 17 के RTP में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था लेकिन एग्जाम में पूछा वही शक्ति ट्रेडिंग वाला 6 मार्क का. इंस्टीट्यूट का हमेशा से हैबिट रहा है लास्ट 2 अटेम्प्ट के दो तीन अटेम्प्ट के RTP से क्वेश्चन पूछने का. सो इफ यू सी बिफोर नवंबर 17 देयर इज ओनली 1 RTP जिसमें ICDS का क्वेश्चन था जो मई 16 की RTP उसमें से एक क्वेश्चन आ गया मई 17 में. इसलिए मुझे सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड मुझे जो लग रहा है इज फॉर इज विथ रिस्पेक्ट टू ICDS ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर 2 रीजन. रीजन नंबर 1 मई 16 के RTP का दूसरा क्वेश्चन वही था आफ्टर शक्ति ट्रेडिंग का जो केस में. सेकंड नवंबर 17 का RTP खोलोगे ना बेटा खोल दो सबसे पहला क्वेश्चन इन द नवंबर 17 RTP फर्स्ट क्वेश्चन इज ICDS ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स. सो अगेन आई एक्सपेक्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर पढ़ना है. तो टोटली आप 4 क्वेश्चन करो मेरे आराम से सुनो 4 नहीं 5 क्वेश्चन करो. फर्स्ट अगर आप PM खोलोगे देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट्स एंड टैक्स. उसके अंदर देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन ICDS. वन क्वेश्चन इज ICDS डज नॉट फॉलो प्रूडेंस. प्रूडेंस मतलब डज नॉट फॉलो कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म नहीं फॉलो करता है. ऐसे दो तीन एग्जांपल थे तो ऐसे दो तीन एग्जांपल है. कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंट्स के अंदर दैट वी शो इनकम ओनली इफ वी अर्न इट एंड एक्सपेंसेस इवन इफ दे आर प्रोबेबल. लेकिन इससे हमारा प्रॉफिट कम होता है और ये टैक्स है तो टैक्स बोलता है हमको तो प्रॉफिट ज्यादा चाहिए. हमको कंजर्वेटिज्म बाढ़ में क्या वो अकाउंट्स के लिए तू कर. फॉर टैक्स वी डू नॉट वॉन्ट यू टू फॉलो कंजर्वेटिज्म. तो क्या होगा यहाँ पे दो तीन ऐसे केसेस है जैसे इफ यू हैव एंटर्ड इनटू अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट तो अकाउंट्स बोलता है उसको अलाउ कर लेकिन टैक्स में आपको वो अलाउड नहीं है. अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं दैट इफ देर आर एनी एक्सपेंसेस दैट यू हैव इनकर्ड और आप रिकवर नहीं करने वाले हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है दैट रिकॉग्नाइज दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इररिकवरेबल बट ICDS उसको अलाउ नहीं करता है. सो बेसिकली ICDS डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ये PM का एक क्वेश्चन है.
उसको आप प्लीज करना। पीएम के अंदर एक और क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आईसीडीएस आईसीडीएस ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी के आईसीडीएस 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तीन ऐसे पॉइंट उन्होंने दिए कि दोनों, जैसे एक पॉइंट रिटेंशन मनी के बारे में, एक पॉइंट अबाउट एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में, तीन पॉइंट में आईसीडीएस 7, तीन पॉइंट में आईसीडीएस सॉरी आईसीडीएस 7 नहीं, आईसीडीएस 3 इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो क्वेश्चन आपको करने में, पांच क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें से दो पीएम के क्वेश्चन है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बचे दो क्वेश्चन जो मई 16 की आरटीपी में थे। वन वाज आफ्टर आईसीडीएस 2 केम शक्ति ट्रेडिंग अबॉलिश हो जाएगा फ्रॉम 1/4/16, तो वो ऑलरेडी मई 17 में आ गया इसलिए उसका भी इंपॉर्टेंस कम हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसीडीएस 7 ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, बिकॉज दिस वॉज द सेकंड क्वेश्चन इन द मे 16 आरटीपी, दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर नवंबर 17 आरटीपी। अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो यू हैव टू ऑफर गवर्नमेंट ग्रांट एज इनकम दैट वेरी मोमेंट। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट सेज दैट गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओनली आफ्टर यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस रिलेटिंग टू द ग्रांट। जैसे गवर्नमेंट में ग्रांट दे दिया और आपको बोला कि अगले 5 साल में 10 करोड़ का टर्नओवर अचीव करेगा तो ये ग्रांट तेरे पास रहेगा, नहीं तो हम वापस ले लेगा। तो हम 5 साल तक जब तक टर्नओवर अचीव नहीं करते एक्चुअली वी आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट ग्रांट, हो सकता है वापस चला जाए। लेकिन आईसीडीएस बोलता है जैसे तेको मिला ना, पैसा मिला ना, जैसे ही पैसा मिला वैसे यू रिकॉग्नाइज इट एज इनकम। सो अगेन दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ पॉइंट इन दैट आंसर, प्रूडेंस नॉट फॉलोड। गिव एग्जाम्पल, जो पीएम का एक क्वेश्चन है उसके अंदर, तो ये रूल है फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो उतना कम अमाउंट आपके ब्लॉक में जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिसिएशन कम होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। एंड थर्ड, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज स्टूपिड। ऑन वन हैंड द गवर्नमेंट इज गिविंग देम ग्रांट्स, ऑन अदर हैंड दे आर टैक्सिंग, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटी के काम के लिए इसलिए उनके लिए टैक्सेबल नहीं। इन इफेक्ट आपको ये तीन पॉइंट याद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन आईसीडीएस आपका रहने वाला है गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर। नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट विल बी टैक्सेबल इमीडिएटली द मोमेंट यू रिसीव, लेकिन अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो कॉस्ट में से माइनस होगा यानी डेप्रिसिएशन में एडजस्ट होगा। और चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही एक पॉइंट आपके पीएम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर है। पीएम के अंदर दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड आईसीडीएस 3, डू दैट आल्सो। तो आपके तीन क्वेश्चन तो ये हो गए, ये दो क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटली 5 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। वन इज पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट ग्रांट, सेकेंड पीएम का आपका फर्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रूडेंस नॉट फॉर, तीसरा डिफरेंस बिटवीन एएस 7 एंड आईसीडीएस 3, और चौथा आपका इंपॉर्टेंट, वैसे ये ऑलरेडी पूछ लिया लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक वैल्यूएशन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एनएओपी। स्टॉक वैल्यूएशन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एनएओपी, इट इज कंपलसरी टू वैल्यू द स्टॉक एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इट इज कंपलसरी टू वैल्यू द स्टॉक एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू वेदर द बिजनेस इज कंटिन्यूड और नो। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आईसीडीएस बिकम्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2016, सो एनीथिंग दैट हैज टेकन प्लेस टिल 31st March 16, आईसीडीएस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। आईसीडीएस हैज कम इनटू पिक्चर ओनली फ्रॉम 1st April 16, इफ इट इज अगेंस्ट एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो आईसीडीएस इज अबव द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लेकिन 1st April 16 onwards, तो 31st मार्च 16 तक शक्ति ट्रेन का केस कॉल लगेगा एंड 1st अप्रैल 16 onwards ICDS to net realizable value। ये precisely वो 6 मार्क का मई 17 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो था। एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई, ये गवर्नमेंट ग्रांट्स के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन रहेगा, सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इज ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के अंदर एक जो पॉइंट है दैट सिक्योरिटीज हैव टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, हम एक एक शेयर का देखते हैं दोनों में से विच एवर इज लोअर, ए लिमिटेड के शेयर में विच एवर इज लोअर, बी लिमिटेड में विच एवर इज लोअर, सी लिमिटेड, और जो अल्टीमेट आंसर है वो लोएस्ट पॉसिबल आंसर होगा। आईसीडीएस क्या बोलता है, तेरा इक्विटी शेयर्स ले और जितनी भी कंपनी का इक्विटी शेयर्स है उसका टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर, टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड दोनों में से एवरेज लोअर, यानी यू हैव टू गो कैटेगरी वाइज। इक्विटी शेयर्स का कितना ही कंपनी हो, टोटल कॉस्ट, टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। डिबेंचर्स टोटल कॉस्ट, जितने भी तेरे पास डिबेंचर्स है टोटल कॉस्ट, टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। यानी यहाँ पे कहीं कहीं पे एक लोअर और दूसरा हायर होगा तो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। इन इफेक्ट योर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन आईसीडीएस इज गोइंग टू बी हायर देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन अकाउंट्स, अगेन बिकॉज हम लोग आईसीडीएस में प्रूडेंस को फॉलो नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला क्वेश्चन रहेगा, सेकंड हाईएस्ट विल बी सिक्योरिटीज वाला, तीसरा और चौथा आपको जो पीएम के अंदर जो दो क्वेश्चन है प्रूडेंस नॉट फॉलोड एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड आईसीडीएस 3, एंड पांचवा शक्ति ट्रेडिंग वाला। ये वैसे सबसे मई 17 में अगर आप मेरा लास्ट डेरिवेशन वीडियो देखोगे तो आई हैड टोल्ड स्टूडेंट सिर्फ यही पढ़ना और कुछ आईसीडीएस मत पढ़ना, इसी के ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन आया था।
Okay. So these are the five questions that you have to do. From ICDS, मैं very quickly मैं देख लेता हूँ, कुछ बच्चों के doubt आए उसको मैं clear कर दूंगा, because this is the last part. इसके बाद में कोई और part नहीं होने वाला, because this is the last part. Okay, sir, you may have a long life and teach more students throughout your life and great lecture, very helpful. Thank you, forum. आपने city का नाम नहीं लिखा लेकिन मेरी तारीफ की, इसलिए thank you. Okay, जैसे मैंने बोला था, I pray to the Almighty that किसी दिन अगर मौत भी दे देना है तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते देना, उससे बेटर मेरे लाइफ का कोई और अचीवमेंट नहीं होगा. दैट इज द बेस्ट डेथ आई कैन गेट. ओके, हाँ, बाकी सब कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन नंबर मार्क करके रख दिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच. हर्ष इज टेलिंग मी टू रिपीट गवर्नमेंट ग्रांट ICDS. दो मिनट का टाइम दे बेटा, मैं दूसरे सब क्वेश्चन देख लेने दे, मैं रिपीट कर दूंगा. जय फ्रॉम वलसाड इज आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा 5000 इन ATD SSC हिमसेल्फ भी. SSC का सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है, जिसके लिए वो खर्चा कर रहा है. समझ लो आप 58 की हो लेकिन आपकी बीवी 60 की है तो भी आपको मिल जाए. मतलब इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी. अगर आप 40 की हो लेकिन पेरेंट्स 60 के, तो आपको हायर लिमिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज रेसिडेंट. ओके, सो प्लीज ध्यान रखना. सविता इज सेइंग थैंक यू फॉर टेकिंग सो मच एफर्ट, सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल जर्नी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग. पूरा दिन आप बैठे रहे वो भी एक बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट है. ओके, सुशाम ने उसका हर्ष का आंसर ही कर दिया, दोनों दोस्त लगता है, सुबह से एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर कर. पेरेंट्स एसेस तो मिलेगा पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स एसेस तो मिलेगी. क्या लिखा है जिगर, नहीं समझ में आ रहा है, वापस से लिखा. थैंक यू श्रीदेवी, थैंक यू फॉर बीइंग विद योर. थैंक यू प्रियंका. प्रियंका की बड़ी बहन मेरे ख्याल से प्रतिमा मेरी स्टूडेंट थी, नवंबर 14 में 74 डायरेक्ट टैक्स में आया. मैं कभी स्टूडेंट्स को भूलता नहीं हूँ. थैंक यू प्रियंका फॉर बीइंग हियर. जैसे प्रतिमा ने 74 लाया था, आई होप आप उसके रिकॉर्ड को एटलीस्ट बीट करो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर रिजल्ट, शी विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी टू सी योर रिजल्ट. थैंक यू सो मच. शशांक इज सेइंग थैंक यू, थैंक यू सरिता, थैंक यू, थैंक यू निमित, थैंक यू फोरम, थैंक यू प्रिया, थैंक यू राधिका, थैंक यू कौस्तु फ्रॉम बेंगलोर, माई वेरी गुड फ्रेंड एंड माई वेरी गुड स्टूडेंट. हाँ, अब मुझे सिर्फ वो हर्ष ने जो बोला था उसको ICDS गवर्नमेंट ग्रांट, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रेपुटेशन चाहिए. तो एक बार वापस से ध्यान से सुन लो. गवर्नमेंट ग्रांट विल बी टैक्सेबल इमीडिएटली द मोमेंट यू रिसीव इट. इधर आपको पैसा मिला, उधर इमीडिएटली आपका गवर्नमेंट ग्रांट टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन दो एक्सेप्शन. फर्स्ट, अगर किसी फिक्स एसेट से रिलेटेड मिला, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, तो ऑटोमेटिकली उसका आपका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, तो अलग से टैक्स देने की जरूरत नहीं है. एंड तीसरा, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल. अगर आप नवंबर 17 आरटीपी का पहला क्वेश्चन देखोगे ना, तो यही तीन पॉइंट वो क्वेश्चन के अंदर. एंड दिस आई रेकन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपरली. हर्ष, तेरा डाउट क्लियर हो गया तो फटाफट एक बार बोल देना दैट योर डाउट इज क्लियर, बिकॉज इट्स बीन ओवर 8 आवर्स. थोड़ा सा मेरा नेक पेन कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, स्टेमिना बहुत है, मैं पूरा दिन और पूरा रात भी बैठ सकता हूँ. ओके, थैंक यू देवांशी, थैंक यू सो मच. राजवी फ्रॉम मुंबई आस्किंग डिस्कस 10AA. बहुत सिंपल है, अगर आपका SEZ में कोई भी ऑपरेशन है तो 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन, बट द कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर. यानी जो भी आपका प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन विल बी एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर. ओके, हाँ, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स. अब भी सुबह से भी जब बैठे, सुबह ऑब्वियसली 60-70 पीपल, एंड आते गए जाते गए अभी तक भी इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए. स्टेइंग फॉर 8 आवर्स इन फ्रंट ऑफ अ लेक्चर इज नॉट वेरी इजी. मैं प्रोफेसर इसलिए हूँ बिकॉज मुझे ज्यादातर कंप्यूटर पे काम करना पसंद नहीं है, मैं कंप्यूटर को अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैंने टीचिंग को चूज किया है. इट इज इरिटेटिंग, इट इज अ वेरी इरिटेटिंग टास्क टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर मी. लेकिन आज पूरा दिन मैं भी बैठ गया हूँ, तो आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. आई हेट टू सिट. इसका मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, आई हेटेड इट. तो फिर भी आज बैठ गया लैपटॉप के सामने इतना सारा घंटा, तो आप लोगों की दुआ है, थैंक यू सो मच. अब दिस मच नॉट इनफ, मेरी बात खाली लास्ट 2 मिनट के लिए सुनो. गो देयर एंड किल इट प्लीज. आपको कोई भी डाउट्स रहेगा, यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस ID, यू कैन मैसेज मी ऑन माई फेस, ऑन माई फेसबुक पेज. आपके बहुत सारे स्टडी मटीरियल आपके डाउनलोड के लिए ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है. जिस बच्चे ने आज लेक्चर नहीं देखा, जो लेटर ऑन जिसके टाइम टेबल में नहीं बैठा है, प्लीज उनको बोलना कि इस लेक्चर को एग्जाम के एक दिन पहले तक नहीं रखें. 8 घंटा एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देखना बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, प्लीज डोंट डू दैट. तो वॉट एवर हैज टू बी डन प्लीज फिनिश इट ऑफ. जो लोग यूट्यूब पे देखने वाले हैं वो लोग भी इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर देना. फेयर इनफ, ओके, फाइन. तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आई एम फॉर एवर अवेलेबल, आई एम वन ऑफ द मोस्ट अप्रोचेबल टीचर्स. वेरी सून, जो स्पेशली मुंबई के बाहर के जो बच्चे हैं, खास करके अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलोर, आप लोग मेरे को बहुत जल्दी फेस टू फेस मिलने वाले हो. ओके, तो मैं आपसे मिलूंगा. निमित सिंह,
डिमांड फॉर अ सॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट, कौन सा गाना सुनना है भाई बता दे। ओके हाँ बोलना कौन सा सुनना है, सुना तो ओके हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम सब कामयाब होंगे। आई एम सो हैप्पी टू सी डायरेक्टर like getting married, whenever you think you are right you are wrong, meri wife abhi bhi baithi hai mere ko maar ke layega. Okay chalo, thank you so much all of you who came here, I was really very very happy to see you here, aur aap log yahan pe pura din baithe rahe isliye mera bhi stamina bilkul raha aur bahut maza aaya with this, agar humko bahut acha response mila hai to aage aur bhi kuch plan kar sakte hai ki kaise isko aur acha bana sakte hai, because this was the first time, some technical errors were bound to happen, but it was overall a very very satisfactory day for myself, and I hope the same thing for all of you all. With these many words and with the you know India hai to haath jod ke thank you so much, main aapse haath jod ke thank you bol raha hu for being with me today. My blessings are always with you, and you all also please keep your blessings with me. Please help everybody after you become chartered accountants, so this is how you can pay back, because hamara duty hai fraternity ko wapas se dena jo humko isse mila. With these words, thank you so much, love you all, all the best. Take care, may God bless you, and may abhi November 17 mein exemption leke clear karna hai. Good night, shubh ratri, shabba khair, please do take good care of yourself. Love you all, bye bye, take care, see you, bye.